अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यार आज का ब्लॉग जो है वो मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ, अभी आपको दे दूँ क्योंकि मैं किचन में फिर रही हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज लेट स्टार्ट करने की भी कोई रीज़न है? उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जी गाइस, आज का सीन ये था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी भी कोई रीज़न है और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। वो रीज़न ये है कि आज सुबह से साढ़े रात से तकरीबन मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सुबह फिर उनको एमरजेंसी लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग गए थे, वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया, फिर उनको इंजेक्शन वगैरह लगे तो काफ़ी टाइम लग गया हम वहाँ पर, तो इसलिए मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। और दूसरी बात यह कि हमारे घर में वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे मरीज हैं, ये भी मरीज हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और डेंगू टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। ओ लड़ाई लड़ाई, नहीं 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 नहीं, जोर से, ओ नहीं नहीं, ओ नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं। अब दिया आपने बीपी किया खाने के बाद? अच्छा, अब हम करते हैं जी काफी टाइम के बाद नमक की हाई है वो टाइम। ओए होए, मरीज सारे ही घर में, हमारे घर में सारे मरीज हैं, सारे बीमार हैं, सारे सारे नहीं बीमार, आप बीमार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं हूँ, मुझे लगा कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं वैसे कह रही हूँ, तकरीबन सभी बीमार हुए। कोई भी बीमार नहीं है, मैं बीमार हूँ, खालत है, मैं भी बीमार हूँ यार। ये तो सदा की बीमार रहती हैं। ये वो बंदी है हमारे घर में जो सदा की बीमार, दिन रात बीमार रहती हैं। हालात हैं ऐसे, मरीज आप लोगों ने देखे हैं कभी? वाकई ये बीमारी है जी, निकल जा। अच्छा जी, अभी हम करते हैं चेक। इसको पकड़ी, खाना बीपी चेक करने में करती हूँ। एक मिनट, मजाक हो रहा है जी, बीपी चेक करने लगे हैं ये डॉक्टर साहब, जो खुद मरीज हैं वो दूसरों का बीपी चेक करने लगे हैं। टाइट करके इसको बंद करना, ऐसे करके होता है ना एकदम से टाइट, मरीज इसको टाइट उल्टा बंद किया, ये चीज नीचे नहीं करते, ये चीज ऊपर आती है। अल्लाह अकबर, मैं करूँ चेक, ये चीज ऊपर आई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अल्लाह अकबर, चलें जी अब हम करते हैं चेक। हाँ, और यार एक बात, इसमें अगर सेल पड़े रहे हैं तो इसके सेल भी डेड हो जाते हैं। हमेशा जब यूज करने के बाद आप सेल निकाल के रखें। बीपी कॉम के सुबह 180 था, 180 से फिर 170 पे आया, फिर 151 पे आया और अभी देखते हैं कितना है। वो चल जा भाई, बस कर जा, हार्ट बीट भी इसमें बताया जाएगी आपको। नहीं आ रही, वो आ भी सकती है। अच्छा, 136/89 अभी भी है, नॉर्मल नहीं हुआ तो चले उतारो इसको, उतार के इसको रख दे। अच्छा जी, अभी जो है ये भी जो मरीज हैं ये, इनको भी अभी पिम्स लेके जाया जा रहा है डेंगू टेस्ट के लिए। सुबह हमने इनका टेस्ट करवाना चाहा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था तो फिर नहीं हो सका, तो अभी ये इन मैडम को पिम्स लेके जा रहे हैं कि इनका डेंगू टेस्ट हो जाए। तो सभी बीमार है यार, सब लोग है यार, एक वायरस फैला हुआ है। अब आई डोंट नो, सबको बुखार, फ्लू और ये वो सारा कुछ। ओए मैंने नोट ही नहीं किया, काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग में नहीं आए मिट्ठू। हाय मिट्ठू, तुम्हें मैं खा रही हूँ ऊपर जाके बैठ गई हूँ, हैं हैं। और ये देखो, ये मोटी, ये मोटा हो गया माशाल्लाह। हाय, और उन दो को देखो, पता नहीं क्या सुनने में आया कि उन दो ने अंडे दिए हों, लेकिन अच्छा जी। तो अभी लाइट भी ऑफ हुई थी, ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा है,
तो आज का ब्लॉग छोटा सा होगा, इसको हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और दुआ कीजिएगा सबके लिए, स्पेशली मेरी मदर के लिए कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। कल वीकेंड है, इंशाल्लाह कुछ इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।